ऐसी फोटो लेने के लिए ट्रेकिंग के लिए डैम के पास भी नहीं तो वो यानी अंदर नहीं जाएंगे तो रोड पे से फोटोज लेके आ जाते हैं क्योंकि अगर हम डैम पे नहीं जाएंगे तो मतलब वो तो ओके रोड पे से फोटो खींचेंगे तो अंदर जाना ही नहीं है ना जो रोड है उसके बाद से निकल जाएंगे हम फिर ऐसा करते हैं गाड़ेश्वर डैम पनवेल मतलब अभी तक डैम के पास पहुँचे नहीं हम लोग वहीं जा रहे हैं जाते जाते हम लोग को ये बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन दिख गया सामने चंदेरी फोर्ट है ये चंदेरी फोर्ट है और यहाँ से लाइक स्मॉल वाटरफॉल स्ट्रीम है जिसको मैं सोच रहा हूँ कि लाइक लॉन्ग एक्सपोजर लेके वो जो स्ट्रीम है उसको ब्लर फिर लाइक सिल्की वाटर वैसा और सामने साथ में पीछे चंदेरी फोर्ट जिसके ऊपर फॉग है हल्का हल्का तो दैट्स व्हाट आई एम कैप्चरिंग my first shot. So guys, I just wish मेरे पास वो लाइक एकदम बैंड होने वाला ट्राईपॉड रहता क्योंकि लाइक लोअर एंगल से और भी ज़्यादा अच्छे शॉट्स आते थे बट जो है उससे काम चलाना पड़ेगा अब और मैं लाइक कॉम्पोजिशन ढूंढ रहा था ये रॉकी पैचेस लाइक ये जो पैच है यहाँ पर दिस बहुत ही लाइक अच्छे से एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं कॉम्पोजिशन में सो आई गेस आई विल कैप्चर दैट टू सो थोड़ा सा मैं लाइक और अच्छे से फॉग आ जाए वहाँ पर चंदेरी पर देन आई विल कैप्चर दैट सो उसी के लिए मिलते हैं सो गाइज दिस इज द पर्सन शोएब सो गाइज हाय दिस इज द पर्सन जिसके वजह से लाइक पॉसिबल हो पाया है लाइक ये टाइम पर आना वरना पनवेल से तो बस एक ही बस है लाइक दुदानी आने के लिए गाड़ेश्वर डैम आने के लिए सो थैंक्स टू शोएब फॉर ब्रिंगिंग मी एट दिस टाइम तो हम लोग पूरा सनसेट तक के रुकने वाले मैं तो सोच रहा हूँ लाइक लाइट एकदम अच्छे से चंदेरी फोर्ट पर जब लाइक लगेंगी सनसेट की और साथ में वो जो गाड़ेश्वर डैम का लेक है वो और साथ में मैं लाइक सोचा हूँ कि लाइक जो फोरग्राउंड एलिमेंट है वो ग्रास रखूँ जो भी ग्रास है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मस्त शॉट आ सकता है बट अभी तो हम लोग यहीं रुके हैं शोएब भाई का टाइम लैप्स लगा हुआ है और यहाँ पर तो बस मैंने लाइक एक शॉट लिया वो इसका स्ट्रीम के साथ चंदेरी फोर्ट का अभी पीक पे एकदम फॉग है इसके लिए मैं रुक रहा हूँ दूसरा शॉट मुझे वही लेना है लाइक ये जो सब है यहाँ पर छोटे छोटे पॉन्ड्स एकदम वो फोरग्राउंड में रख के साथ में बीच में स्ट्रीम और फिर एकदम बैकग्राउंड में चंदेरी तो वो एक मैं लास्ट ट्राई करूँगा सो गाइस दो बार हम लोग का अब इनकाउंटर हो चुका है पुलिस के पास पहले तो लाइक हम लोग स्टार्टिंग में ही रोक लिया था कि लाइक बोल रहा था गाड़ेश्वर डैम पे अभी बंद है बट हम लोग उनको समझाए कि लाइक हम लोग फोटोज ही क्लिक करने हैं बस रोड पे से ही फोटोज क्लिक करेंगे तो हम लोग को जाने दिया बट जब वहाँ पर वाटरफॉल पे गए तो फिर से पुलिस वाला आ गया था तो फिर से वापस हम लोग को भगा दिया बट फिर हम लोग आगे जाके थोड़ी देर रुके उसके जाने का वेट किए फाइनली वी हैव रीच्ड गाड़ेश्वर डैम और वो चंदेरी फोर्ट वहाँ पर दिख रहा है आपको मतलब क्या व्यू है एकदम फोटोग्राफी करने लायक सो अभी बस मुझे एक अच्छा कॉम्पोजिशन ढूंढना है और जो अपना कैमरा है सेटअप करना है इस ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए Let's see how it goes. So it's just for like security. मैंने एक फ्रेम ले लिया लाइक पूरा एकदम पैनोरामा कि अगर लाइक कभी पुलिस आ गई कभी भगा दिए तो तो वैसे तो अभी लाइक एकदम अच्छा कॉम्पिटिशन मिला नहीं है मुझे और जो फॉग है वो भी थोड़ा सा लाइक आगे चले गए तो आई वांटेड के थोड़ा सा लाइक जो पीक है उसके नीचे रहे फॉग और जो पीक है वो दिखे जो कि लाइक काफ़ी अच्छा लगेगा
जैसे ये भी जो पैनोरामा लिया हूँ मैंने पूरे इसका, वो भी काफ़ी सही है, बट आई वॉन्ट समथिंग इन फोरग्राउंड ताकि ज़्यादा अच्छा फ्रेम क्रिएट हो सके। तो हम लोग और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं लाइक यहाँ से, और फिर वहाँ पर जाके देखेंगे कुछ कॉम्पोजिशन मिल सकते हैं या नहीं, और नहीं तो फिर हम लोग थोड़ा और जाके आगे घूम के आ जाएंगे, और लाइक इवनिंग तक के वापस यही सेम स्पॉट पे आने का ट्राई करेंगे ताकि हम लोग को और अच्छे से शॉट मिल सके। एंड आई होप के पुलिस ना पकड़ ले हम लोग। तो गाइज यहाँ पर ऊपर आ गए हम लोग शोएब भाई के साथ और यहाँ पर से भी व्यूज काफ़ी सही, मतलब अभी तो वहाँ पर लाइक आधा जो सेक्शन है वहाँ पे सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे, जिससे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट मेरे को चाहिए कि लाइक चंदेरी फोर्ट पे थोड़ा सनलाइट रिफ्लेक्ट हो, जिससे यू नो वही मेन ऐसा अपना सब्जेक्ट लगे हैं। तो अभी थोड़ा और देर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे लाइक एक्सप्लोर करेंगे ये व्यूज, देन वी विल गो बैक टू द यू नो फर्स्ट लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन मतलब सेकेंड लोकेशन जो डैम वाला था वो, क्योंकि वहाँ से एक पोटेंशियल कॉम्पिटिशन मिल सकते हैं। यहाँ पर फिर से जो पीक है चंदेरी फोर्ट की बात देख सकते हैं कि लाइक फॉग में चले गई है पूरी, बट भाई जो व्यू है बहुत ज़्यादा सही है। गाइस अभी लास्ट टाइम हम लोग ये जो लोकेशन था सेकंड वाला उसके पास आ चुके हैं, और मैंने अपना फ्रेम भी ढूंढ लिया है, मतलब काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा कि लाइक ये जो जितना भी ग्रीनरी है इसमें से जो चंदेरी फोर्ट है उसको फ्रेम करूँगा। सो गाइस आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मतलब मैंने सोचा था कि लाइक एकदम पिंक मस्त सनसेट होगा, क्योंकि लास्ट टू डेज से वैसे ही हो रहा था, और मैं सोच रहा था कि लाइक सनसेट के टाइम पे एकदम लाइक क्लाउड्स रहेंगे चंदेरी फोर्ट पर बहुत ही मस्त, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, पूरा लाइक क्लाउडी ही था। वैसे तो मैंने लाइक क्लाउडी डेज में बहुत बार फोटोग्राफी करा हूँ, बट मुझे लाइक एकदम पिंक सनसेट चाहिए था, क्योंकि वो लोकेशन ही ऐसा था एकदम बैंथ नेशनल पार्क कनाडा का तो इसके वजह से मुझे ऐसा सनसेट चाहिए था ताकि मैं एकदम अच्छे से लाइक वो जो फोर्ट है उसके साथ लाइक क्लाउड्स है उस पर, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी एकदम लाइक गाड़ेश्वर डैम है उसका जो लेक है उसमें दिखे एकदम अच्छे से। सो वैसा कुछ यू नो मिला नहीं, बट ठीक है आए फोटोज, मतलब इतने भी ख़राब नहीं थे, बट मैं सोच रहा था कि लाइक मुझे वैसा मिले एकदम पिंक सनसेट, बट कोई नहीं होता है लाइक हर बार यू नो लाइक सक्सेसफुल नहीं होते हम लोग। सो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि लाइक नेक्स्ट टाइम भी मैं लाइक ट्राई करूँगा गाड़ेश्वर डैम जाने का, मतलब ये मेरा लास्ट टाइम नहीं था, मैं आगे भी और जाऊँगा गाड़ेश्वर डैम ताकि मुझे वैसा लाइक सिचुएशन मिल सके, वैसा इन्वायरमेंट मिल सके ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा फोटो क्रिएट कर सकूँ। So I hope you guys like this video, don't forget to hit that subscribe button because I'll be making more videos like this, and I will see you guys in the next video. So peace out.